हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, इन पीले पीले फूलों के साथ वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी में बसंत की बहार हमारे गार्डन में आई हुई है। देखिए, और आपको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले इन फूलों को दिखाती हूँ। इस समय कितने खूबसूरती से ये फूल खिले हुए हैं और इन फूलों की कुछ खूबसूरती देखते ही बन रही है हमारे यहाँ। आप देखिए, और फूलों को दिखाने के बाद हम आपको अपने वीडियो जिसके लिए मैं बना रही हूँ उस टॉपिक पे चलती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा एक मेडिसिनल प्लांट है जिसको गुल बकावली का प्लांट बोलते हैं। ये हमारे इधर तो मैंने नहीं देखा है। ये पौधा मैं अमरकंटक से लाई थी, अमरकंटक घूमने गई थी। हम गार्डनर जो हैं, पौधा प्रेमी, जहाँ जाते हैं वहाँ की नर्सरी में भी विज़िट करते हैं और देखते ज़रूर हैं कि यहाँ क्या, कौन सा पौधा फेमस है, कौन सा नहीं है। तो वहाँ ये प्लांट मैंने देखा, वहाँ के जंगलों में। अमरकंटक आप लोग भी जानते होंगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। वहाँ ये पौधा बहुत पाया जाता है और वहाँ इसका मेडिसिन्स बनाने में बहुत उपयोग होता है। ये बहुत ही खुशबूदार इसके फ्लावर्स होते हैं, बंचेस में इसमें फ्लावर आते हैं। और फ्रेंड्स, इसे मैं पिछली साल लाई थी लेकिन मैं इसमें फ्लावरिंग का वेट कर रही थी और इस साल मेरे इसमें फ्लावर्स आए हुए हैं। ये देखिए, कलियां आ रही हैं ढेर सारी, और ये देखिए, ये कलियां आ रही हैं। और इसमें खुशबू बहुत तेज़ होती है फ्रेंड, और इसे मेडिसिन्स बनाने में यूज़ होता है, विशेष रूप से जो ऑयल वगैरह बनते हैं। कहते हैं कि ये मस्तिष्क के लिए या नींद नहीं आती है उन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मेडिसिनल प्लांट तो है ही ये, और इसकी जो खुशबू है बहुत तेज़ होती है और इसमें बहुत मधुमक्खियाँ होती है। आपको दिखाती हूँ पास से। इस पर देखिए, फ्लावर जैसे खिले हैं और कितने इस पर कीड़े आपको दिख रहे होंगे, बच्चे दिए हैं क्या है। ये देखिए, ये सब बहुत ज़्यादा इस पर आ रहे हैं। इस पर मुझे कुछ छिड़कना पड़ेगा तभी देखिए ये फूल भी फटाफट होने लगा है, नहीं तो इसका फूल टिकता है। वहाँ पर मैंने पूछा था, बंचेस इसका गुलदस्ता टाइप होता है इसकी, यदि यहाँ से बंच तोड़ के और कमरे वगैरह में रखें तो खुशबू से ये भर जाता है, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आती है। तो ये, और वहाँ के ये जंगलों में बहुत ज़्यादा पौधा ये गुलबकावली का उगता है। ये एक जिंजर फैमिली का पौधा है, इसे वाइट जिंजर लिली भी बोलते हैं फ्रेंड। ये देखिए, और इसका प्रोपोगेशन तो बहुत आसान है। अब तो मैं इसको बांटूंगी भी, क्योंकि ये देखिए, नीचे से इसमें इराइजोम से निकल के कई ढेर सारे प्लांट इधर उधर देखिए कितने उग रहे हैं हमारे। मैंने इसे ऐसे लगा दिया था और बहुत ढेर प्लांट, कई तो मैंने निकाल दिए क्योंकि फ्लावर निकल नहीं रहे थे, लेकिन अब की बार उधर भी देखिए निकल आए हैं, क्योंकि ज़मीन पे लगाया है। तो अब इसे मैं निकाल के अलग अलग गमलों में भी लगाऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ पर तो इसकी बंचेस वगैरह काट करके यहाँ से वो कमरों में लगा देते थे पानी में, तो बहुत ही ये खुशबू देता था प्लांट। तो ये गुलबकावली का प्लांट मैंने आपको शेयर किया और इसकी केयर मैंने कुछ भी नहीं की है, बस पानी वगैरह देती है। ये वहाँ पर थोड़ा जंगलों में उगता था जहाँ पर पानी वगैरह बरसता रहता है, अमरकंटक में अक्सर कर पानी बरसता रहता है, तो थोड़ा सा इसे मॉइस्चर तो चाहिए। और हमारा भी ये पौधों के बीच में ही लगा हुआ है ज़मीन में, तो मॉइस्चर तो इसे अच्छा खासा मिलता रहता है, इसीलिए इसमें से कई पौधे निकलने लगे हैं, इधर उधर से डिवाइड होने लगे हैं। ये पौधा आपको कहीं मिल जाए तो इसको लगाइए, कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा पौधा माना गया है। और मैं तो इसको बस वहाँ लगा हुआ देखा, मैंने लोगों ने कहा कि ये यहाँ का बहुत फेमस पौधा है गुलबकावली का, तो मैंने इसको सुना भी नहीं था और अपने इधर मैंने देखा भी नहीं था, इसलिए मैं इसे वहाँ से ख़रीद के ले आई थी। तो मैंने सोचा अब आपके साथ भी
इस गुलबकावली प्लांट को शेयर करती हूँ, आपको कहीं मिले तो आप ज़रूर खरीद के इसको अपने घर में लगाइए। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और बहुत इसमें मधुमक्खियाँ वगैरह बहुत अट्रैक्ट होती हैं, बहुत आती हैं। ये देखिए अभी एक मधुमक्खी इस पे टहल रही थी, यहाँ मेरे आने से उड़ गई। तो ये खुशबूदार गुलबकावली का प्लांट आप लगाएं। बस इतना ही आपके साथ शेयर करना था फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।